Alright, hello and welcome students. Myself Kumar Saurabh. Today I am present in front of you with yet another critical reasoning passage. You already know how we operate here. First of all, we are going to analyze the passage, understand everything which is related to it, what exactly the author is trying to tell us, what exactly the author means by the words which he has used here. And then based on that, we are going to solve all the questions related to it as well. So, without wasting any more time, let's get started. The first, no, 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 not the first, the paragraph goes like this The Indian National Congress has in the past been more inventive because its ideology was forged in the heat of the freedom struggle. Okay, it's <laughs> very inventive work because <laughs> spontaneity of time freedom struggle. Pluralism. सेक्युलरिज्म टॉलरेंस सिटीजनशिप फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, नॉन वायलेंस एंड एंटी-इम्पीरियलिज्म वर थ्रोन अप इन द कोर्स ऑफ द मूवमेंट ये सारी की सारी चीजों पे बातें होती थी ठीक है उस टाइम पे आज भी होती है लेकिन उस टाइम पे ये ज्यादा शॉर्ट आफ्टर टॉपिक्स थे इशूज थे क्योंकि उनको एड्रेस करके ही आपको फ्रीडम मिलने वा, मिलने वाला था ऑल राइट right. ऑन दीज प्लांट द कांग्रेस वॉज एबल टू मोबालाइज वास्ट मास पीपल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म इन चीजों के बारे में डिस्कशन करके कांग्रेस ये काम करने में सक्सेसफुल हुई कि वो मासेस को बहुत सारे लोगों को मोबालाइज कर पाए और उनको बता पाए कि आप टाइम आ गया है आपके लिए कि आप कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाए सैडली द पार्टी हैज फॉरगॉटन इट्स लेगेसी वी नीड अ नेशनल पार्टी टू प्रोवाइड सबस्टैंडिव ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट अभी आज के टाइम में कोर्स प्रैक्टिकली अगर आप जानते हो तो कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है नहीं एज फार एज द नेशनल पॉलिटिक्स इज कंसर्न। इट हैज नॉट बीन एबल टू प्ले द रोल ऑफ अ प्रॉपर ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट इन पार्ट नाउ कांग्रेस फ्लाउंड इट इज रडारलेस ऑल इज नॉट लॉस्ट न लीड टू री इनवेंशन सही बात है जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप इन्वेंशन करते हो जब बहुत ज्यादा हो जाए तो आप री इनशन भी करते हो दार्टी मस्ट री इन से पार्टी सिंपली बिकॉज इट इज सिनोनिमस विद द हिस्ट्री ऑफ आर फ्रीडम स्ट्रगलोर्सिट्री है ये एंड विद इन लाइट इन लीडर सच एस जवाहरलाल नेहरू रिमेंबर दैट नेहरू विजन इंस्पायर्ड ग्रेट लिटरेचर पोएट्री फिल्म आर्ट थिएटर एंड आर्किटेक्चर डू वी हैजियोग्राफी इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास पहले इतने ग्लोरियस चीजों पर बातें होती थी ग्लोरियस चीजों का इनकल इंकलके, इंकलकेट किया जाता था इंबाइट किया जाता था आज के टाइम में बस मीडियोक्रिटी चल रही है एज फार एज कांग्रेस इज कंसे रूलिंग क्लास विच कैन नॉट इंस्पायर कल्चरल क्रिएटिविटी कैन ओनली रूल जन बहुत बढ़िया बात बोली गई है एक रूलिंग क्लास जो कि कल्चरल क्रिएटिविटी के साथ अगर रूल ना कर पाए इंस्पायर ना कर पाए तो वो सिर्फ और सिर्फ कोअर्जन के थ्रू ही रूल चला सकती है मतलब किसी को मजबूर करना इन मॉडर्न पॉलिटिक्स दिस इज काउंटेड एज अ फेलियर ऑफकोर्स नेक्स्ट पार्ट

उस टाइम पे क्या था आज के टाइम पे क्या है आप खुद भी कंपैरेटिव एनालिसिस करो तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी ही persuaided people to desist from violence and he assured muslims of their safety today when indians are lynched and left to die on streets politicians stay safely indoors our own people die avoidable deaths and leaders are silent we need leaders who motivate us by example की अगर बात करें ना लास्ट पार्ट में एग्जाम्पल दिया नेहरू का जब पार्टीशन था तो वो किलिंग में थे, वो लोगों को रोक रहे थे मना रहे थे दे रहे थे अपना रोल प्ले कर रहे थे आज के डेट में एज फार एज द ऑथर्स व्यूज आर कंसर्न जब किसी का लिंचिंग होता है सारे के सारे लीडर सारे के सारे नेता अपने घरों में सेफली बैठे कोई सामने नहीं है कोई ऐसा सब्सटैंशियल कुछ करने को तैयार नहीं है जिससे कि इस तरीके का अवॉइडेबल डेथ जो है उसको <coughs> रोका जा सके ऑल राइट सो बेज ऑन ऑल ऑफ दैट द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस वट रोल इज प्लेड बाई द ऑथर्स क्लेम दैट दैट कांग्रेस वॉज एबल टू मोबिलाइज वास्ट मासज ऑफ पीपल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म इन द आर्ग्यूमेंट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑफकोर्स इट फॉर्म्स द प्रीमाइस ऑफ द आर्टिकल

कांग्रेस हैज फेल टू प्रोवाइड सबस्टैंडिव ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट वेरी इजी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस वुड गिव द कांग्रेस लीडरशिप राइट आंसर इज सी टू गिव लीडरशिप ऑफ द पार्टी टू अ लीडर हु इज कनेक्टेड विद द मासेज हाँ अगर ऐसा कुछ करे तो मे बी अच्छा हो सकता है एंड ऑथर भी शायद इस तरीके का कोई एडवाइस कांग्रेस की लीडरशिप को दे सकता है

इसके पास कोई रडार नहीं है कोई डायरेक्शन नहीं है कोई मोटिवेशन नहीं कोई क्रिएटिविटी नहीं तो अगर ये चीज सही है ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है वो सही है तो वो उस आर्ग्यूमेंट को ऑफकोर्स सपोर्ट देगा स्ट्रॉन्ग बनाएगा स्ट्रेंदन करेगा सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द पैसेज एंड आर डिस्कशन फॉर टूडे आई होप यू गाइज वर एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज यू आर एबल टू एनालाइज इट प्रॉपरली एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन सक्सेसफुली thank you so much for watching the video keep on watching all the videos which we upload regularly on our official ideological youtube channel i will see you next time till then take very good care of yourself thank you so much